नमस्कार, मंडी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ भारतीय कृषि परिदृश्य के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे हैं। ये वो मॉडल है जो छोटे और सीमांत किसानों को भी बाजार की आंख में आंख मिलाकर खड़ा होने की हिम्मत और क्षमता देता है। इसलिए सरकार अगले 5 साल में 10,000 नए एफपीओ बनाना चाहती है। लेकिन इतना ही नहीं है, कृषि क्षेत्र से जुड़े ऐसे कुछ शीर्ष नीति निर्माता हैं जिनसे हमारी बात हुई है और उनका ये मानना है कि ये तो महज एक शुरुआत है और आगे चलकर इस संख्या को बढ़ाकर 30,000 तक यानी 30,000 नए एफपीओ बनाने तक की जरूरत पड़ सकती है और उस ओर सरकार जा सकती है। तो जाहिर है कि मंडी डॉट कॉम में इसके महत्व को समझते हुए अक्सर हम एफपीओ मॉडल के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों के कारोबार की, यानी ये एफपीओ किस तरह कारोबार कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय कराए देते हैं। हमारे पहले मेहमान जो आज के हैं वो हैं अमित नाफड़े, जो कि कृषि विकास ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था के सीईओ हैं और महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे दूसरे आज के मेहमान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में वडनगर तहसील से काम करने वाले वडनगर किसान उत्पादक संगठन के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, आपसे हम बातचीत की शुरुआत करना चाहते हैं और सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि आप जिन एफपीओज के साथ काम कर रहे हैं उन एफपीओज को लेकर आपका अनुभव क्या है और जो हमारा मूल विषय है कि एफपीओ क्या क्या कारोबार कर सकता है। अगर आपके केवल अनुभव की हम बात करें, आपका क्या अनुभव है, कौन से कारोबार आपका एफपीओ कर रहा है और उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे कि उसका असर किस तरह से किसानों की आमदनी पर पड़ा है और दूसरी बातों पर पड़ा है जो खेती से जुड़ी हुई है। कृषि विकास लगभग पिछले 10 सालों से एफपीओ के साथ काम कर रहा है और शुरुआती के दौर में जब हम भी नए नए थे, हमारे पास अनुभव नहीं था, तो हमने जो एफपीओज बनाए तो वो ज्यादातर इनपुट में फोकस कर रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, एफपीओ ग्रो होते रहे, तो अभी हमारे एफपीओ जो है वो वैल्यू चेन जिसे हम कहते हैं या फार्म टू फोक या फार्मर टू कंज्यूमर जो भी कहा जाता है, इस मॉडल में पूरी तरह से काम कर रही है। कुछ एफपीओ इनपुट में काम कर रही है, कुछ एफपीओ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में काम कर रही है और कुछ एफपीओ इसके साथ साथ मार्केट लिंकेज में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारा जो अनुभव रहा है तो हमने ये सीखा है कि एक एफपीओ जब अपना बिजनेस करता है या बिजनेस प्लान बनाता है तो उसे थोड़ा सा अपना बिजनेस बैलेंस तरीके से करना चाहिए। एक तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो हर महीने कुछ ना कुछ आमदनी देते जाए जिससे हमारे शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो और हमारे जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो हम मैनेज कर सके। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में काफी बिजनेस सीजनल होता है, तो वो जो सीजनल बिजनेस है ये सीजनल बिजनेस कुछ पीरियड तक चलता है, तो इस बिजनेस के माध्यम से हमें जो इनकम होता है उससे हम हमारे शेयर धारकों को काफी अच्छा फायदा दे सकते हैं और एफपीओ का मुनाफा उससे हम निकाल सकते हैं जो कि आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तो इस तरह से वैल्यू चेन में काफी सारे स्टेजेस पर काफी सारे एफपीओज अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका एफपीसी जो वडनगर एफपीसी है उसने अभी तक जो काम किए हैं उससे आपका अनुभव क्या मिला है, कौन कौन से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से किसानों की आमदनी पर और आपके अनुभव के लिहाज से क्या सब नई चीजें आपको सीखने को मिली है। तो सबसे पहले हमने जो काम किया है तो सबसे पहले ही हमने काम किया था अपना आउटपुट पे काम किया था। उसमें यह था कि हमने डायरेक्ट किसानों से माल लेके उसे मंडी में पहुंचाया। मंडी में पहुंचाने पर सर हमारा अनुभव यह रहा कि यार मंडी में आने के बाद कुछ तो व्यापारी लोग जो सब मिले हुए बिचौलिए हैं वो कुछ तो प्रॉफिट कर ही रहे होंगे। और ऐसे ही सर हमने काम करके लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद सर हमारा अनुभव ये रहा कि हाँ कुछ किसानों को फायदा जो है 10% का लगभग आउटपुट भी मिला। सर ऐसे हमने इनपुट का शॉप भी ओपन किया और इनपुट का शॉप ओपन करने के बाद सर लगभग हमने किसानों को 12-15% का मुनाफा दिया। सर इससे ये किसानों को एक और अनुभव यह रहा हमारा कि सर किसानों के सारे काम कर सकते हैं। किसान अगर संगठित होकर काम करें तो किसान ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता है। जो किसान से जुड़े हुए सारे काम करना चाहें वो कर सकते हैं।
किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत भी यही होती है कि खेती तो करना वो जानते हैं, लेकिन जब कारोबार की बात आती है तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि कैसे किया जाए। लेकिन वडनगर का जो अनुभव है उसके आधार पर, जैसे सुरेंद्र कह रहे हैं कि उनको ये समझ में आया कि किसान भी कारोबार कर सकता है, और साथ ही उनको ये भी समझ में आया कि जो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत उनकी है इनपुट की, यानी खाद की, बीज की, कीटनाशकों की, उसमें किस तरह से उनसे बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है, और इसलिए केवल इनपुट में ही उनको 15-20% की बचत वहीं पर से होनी शुरू हो गई, जैसा सुरेंद्र कह रहे हैं वडनगर एफपीसी का ये अनुभव था। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा, देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बात कर रहे हैं आज एफपीसी के कारोबार के बारे में, यानी किसान उत्पादक संगठन किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, किस तरह की तैयारियां उनकी उन कारोबार के लिए चाहिए। इस पूरी चर्चा को अमित हम दो हिस्से में अगर बांट दें, एक तो जब फसल की तैयारी है, फसल जब खेत में है, और दूसरा जब फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी जब उसको लेके हम बाजार में आते हैं बेचने के लिए, तो इन दोनों ही लिहाज से अगर मैं आपसे समझना चाहूं, पहले पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर लेते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है वो एक बहुत बड़ा मौका किसान के लिए होता है, जब उसको बेचना होता है उसे, और यही एक तरह से देखा जाए तो सरकार की भी जो पूरी कोशिश है, हाल के दिनों में हमने देखा है जो तमाम तरह की बातें, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेचने की बात हो या अभी कृषि सुधार में हमने देखा कि कई सारे फैसले किए गए, वो सब फैसले इसी पर केंद्रित हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर भाव मिल सके। इसमें क्या क्या अवसर हैं एफपीसी के सामने, किसान उत्पादक संगठन किस किस तरह से कारोबार के तौर पे फसल को बेचने का जो पूरा तरीका है वो अपना सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं? देखिए, एक अक्सर कहा जाता है कि अगर किसान के उपज को अच्छी भाव मिलती है तो उस उपज का उत्पादन कैसे बढ़ाना है वो किसान अपने आप सोचने लगता है और वो अडॉप्ट कर लेता है जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे सारे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स ने डेवलप की है। तो उत्पादक को भाव मिलने के लिए पहला तो तरीका है कि मार्केट में हमने देखा है पिछले कई सालों से साइंटिफिक तरीके से उसके उपज को खरीदा नहीं जाता है या उसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। तो जैसे हमने शुरू में मॉइस्चर मीटर जैसा छोटा सा इंटरवेंशन करने के बाद भी हमें पता चला है कि किसानों के उपज को अच्छे भाव मिले हैं। तो हमारी जो एफपीसीज है, अभी ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं, तो इस रिफॉर्म्स के साथ तो अभी एफपीसीज को ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी पढ़ना नहीं है। सारे एफपीसीज के पास अपना अपना पैन कार्ड है और वो खुद किसान के भाव का ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी इसके लिए एफपीसी अगर किसान से उपज खरीदेगा तो एफपीसी को भी कहीं बेचना है, तो एक तो पहला इंटरवेंशन जैसे मैंने कहा कि साइंटिफिक तरीके से उस उपज का वैल्यूएशन अगर करते हैं तो किसान को फायदा मिलेगा। दूसरा, अभी ईनाम के माध्यम से भी हमारी एफपीसी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकती है, एनईएमएल के माध्यम से जुड़ सकती है और एनसीडीएक्स के माध्यम से फ्यूचर मार्केट में भी जुड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे एफपीसीज के लिए कि वो ये सारे टाई अप करके जो खरीददार है या फिर फैक्ट्री से भी बात करके वो उनसे टाई अप करके हमारे किसान के उपज को एक अच्छा भाव दे सकते हैं। इसके बीच में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग है। अभी लास्ट वीक ही हमारा एक एफपीओ जो है
हमारा एक एफपीसी WDRA पे एक्रीडेट हुआ है, तो तब मुझे पता चला कि गिने चुने एफपीसीज ही अक्रॉस इंडिया उनके साथ वेयर हाउसेस एक्रीडेट कर चुके हैं। तो वेयर हाउस एक्रीडेशन करके प्लीज लोन किसान को दिलवाना, ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे डिस्ट्रेस सेल को बेचा जा सकता है। और वेयर हाउसिंग के जो बहुत सारे प्रॉब्लम है कि जब वेयर हाउस में माल जाता है तो बेचने के लिए फिर से उसको मंडी में ले जाना पड़ता है, तो अगर हम NCDX, NEML, ईनाम के माध्यम से उसको बेचेंगे तो शायद ये भी FPC लोकेशन से ही सेल हो पाएगा, तो ये हम बचा पाएंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम क्लीनिंग, ग्रेडिंग, प्राइमरी वैल्यू एडिशन, पैकिंग जैसी चीजें करते हैं तो उसमें काफी अच्छा वैल्यू एडिशन भी हो सकता है और उसके अच्छे दाम भी हमारे किसानों को FPC के माध्यम से मिल सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन में अलग अलग तरीके से वैल्यू एडिशन हो सकता है। एक सिंपल क्लीनिंग ग्रेडिंग का वैल्यू एडिशन है, उसके साथ साथ अलग अलग प्रोसेसिंग है। फिर मिल्क जैसे कमोडिटी से हम काफी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, या पल्सेस से या किसी से भी हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। प्रोडक्ट तो सारे मार्केट में है, तो FPCs को समझना है कि प्रोसेसिंग कैसे करना है, और टेक्नोलॉजी भरी पड़ी हुई है, सारे लोग FPCs को अभी सपोर्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट में तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज FPCs के पास है, कोल्ड स्टोरेज जैसी अपॉर्चुनिटीज है, और मतलब मार्केट में जो जो कुछ दिख रहा है वो सारा हम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में भी हम जा सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले डोमेस्टिक मार्केट समझा जाए, कैप्चर किया जाए, और फिर एक्सपोर्ट के बारे में जरूर सोचा जाए। जी, बहुत ही सारे विकल्प आपने बताए हैं हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए मैं आपको जरूर धन्यवाद दूंगा। और मुझे आपकी सारी बातें सुनकर लगता है अमित जी की एक mandi.com की चर्चा हमारी केवल जो पोस्ट हार्वेस्ट जो तरीके हैं उन पर भी हम कर सकते हैं, ताकि और विस्तार से, क्योंकि आपने बिल्कुल आप गिनाते चले गए हैं, और निश्चित तौर पर किसानों को और विस्तार से ये समझने की जरूरत है कि अलग अलग जगहों से, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे और कई सारी चीजें हैं, सीधे मंडी में लेकर भी जब FPC जाता है तो वहां भी अलग अलग विकल्प उसके पास हैं कि वो किस तरह से सामान, अपना माल बेच सकता है। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आगे अपने इस शो में mandi.com। लेकिन फिलहाल सुरेंद्र जी आपके पास मैं आता हूँ। वडनगर FPC क्योंकि किसानों से, अपने जो किसान सदस्य हैं उनसे प्रोक्योरमेंट भी करता रहा है, खरीद भी करता रहा है उपज की, और आप लोगों ने कई सारे ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक सारे रास्तों से अपने माल को बेचा भी है, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमारे जो किसान दर्शक हैं उनको बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने ये किया है और कैसे लाभ उसका आपके सदस्यों को मिला है। जी सर, सर जब शुरुआत हुई थी FPC की, तो सबसे पहले मैंने, जैसे आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट हमने खरीदी से ही काम किया था, तो किसानों से सर माल लेके सबसे पहले से जो काम हमारा हुआ है, जो बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म है NCDX के साथ काम किया हमने, और सर वहाँ हमें डायरेक्ट पता चला कि यहाँ कितना मुनाफा FPC को मिलता है, आपको मिलता है किस तरह से, आपका ट्रांसपोर्टर है और कितना आपको मंडी में टैक्स पे है और कितनी आपको हम माली देना है, उस तरह से हम सभी समझ पाए कि हाँ यहाँ पे व्यापारी कितना पैसा अपना बेचता है और किसान से कितना पैसा यहाँ पे लिया जाता है। सर एक बात और बताना चाहूंगा कि किसान को सर जब होता है तो उसके 300 जो आता है वेट प्रति क्विंटल ग्राम का, वो काटा जाता है, प्लस हमाली भी उनसे ही ली जाती है सर, ऐसे मिला के। और जब हमने देखा कि यार NCDX का जो मार्जिन है और जहाँ यहाँ पे खरीदी किसानों से लिया जा रहा है उस पर लगभग सर 100 से 150 प्लस चल रहा है, और हमने जब देखा कि यार इस पे खर्चा तो अपना लगभग 80 से 90 रुपए ही आ रहा है, तो सर एक वो लगा हमें कि हाँ हम काम कर सकते हैं। और सर इसके साथ NCDX से काम किया, अदर प्लेटफॉर्म पे भी हमने काम किया, ईनाम के साथ भी सर हमने काम किया जुड़ के, अभी लॉकडाउन में हमने ईनाम के साथ अच्छा काम किया है, लगभग वहाँ पर सर 2 से 2.5 हजार क्विंटल हमने सप्लाई किया है, पर वो सर डायरेक्ट व्यापारी को दे पाए हम, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहा था। जी सर काफी महत्वपूर्ण बात है कि लॉकडाउन के समय में भी जैसे ई नाम का उपयोग करके आप 2,000-2,500 क्विंटल का माल बेच पाए, तो ये ऑनलाइन माध्यम की ताकत है, जहाँ की आप बहुत सारी चीजें जो दूसरों पर निर्भरता है आपकी खत्म हो जाती है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी फिलहाल mandi.com में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए mandi.com। क्या
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका mandi.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसान उत्पादक संगठनों के सामने जो कारोबार करने के विकल्प हैं और उनकी तैयारी उनको किस तरह से करनी चाहिए इसके बारे में, और हमारे साथ बुलढाणा महाराष्ट्र बुलढाणा जिले से अमित नफड़े जुड़े हुए हैं, और साथ ही उज्जैन मध्य प्रदेश से वडनगर FPC के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे, हमने बात की कि जब फसल कट के आ जाती है तो आप क्या क्या विकल्प आपके पास है, उसी तरह जब फसल खेत में है या जब फसल लगाने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आमदनी बढ़ाने के लिए एक उपाय तो ये है कि हम ज्यादा भाव हमको मिले, लेकिन साथ ही दूसरा उपाय ये है कि अपने लागत में हम कटौती करें, तो उस लिहाज से एक तो जैसे इनपुट बिजनेस की बात आपने कही थी, इसी के साथ और भी क्या दूसरे कुछ उपाय हैं FPC के तौर पे, कुछ कारोबार ऐसे खड़े हो सकते हैं जहां से कि अपने एक तो सदस्य किसान है उनके लिए लागत भी कम हो और दूसरा FPC को कुछ आमदनी भी हो। अभी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक FPC ने फिलहाल इसी सीजन में नर्सरी में प्लांट उगाए थे, तो नर्सरी का काफी अच्छा बिजनेस उनका रहा। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर को काफी अच्छा अडॉप्शन हो रहा है, मतलब भारतवर्ष के हर कोने में अभी कस्टम हायरिंग सेंटर FPCs के माध्यम से बन रहे हैं, उभर रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं, तो इस माध्यम से किसानों को हम अलग अलग मशीनरीज अवेलेबल करवा सकते हैं। उसमें किसान को अच्छी मशीनरी मिलने से उसका लागत कम होगा और साथ में अच्छी प्रिपरेशन होगी, अच्छे ऑपरेशंस होंगे, तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम जब उत्पाद की बात करते हैं तो एक तो ट्रेडिंग है इनपुट सेंटर के माध्यम से, उसके अलावा प्रोडक्शन भी हमारा FPC कर सकती है, मतलब सीड का प्रोडक्शन हो, बायो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हो, बायो पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन हो, इवन रेगुलर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में भी काफी अच्छे विकल्प अभी आए हुए हैं जिनके ट्रेडिंग के माध्यम से FPC अच्छा बिजनेस कर सकती है। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो किसानों को लोन की जरूरत होती है, किसानों को एडवांस की जरूरत होती है, एग्रो एडवाइजरी की जरूरत होती है, तो ऐसी काफी सारी जरूरतें जो हमारे किसान की है वो भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, और उस माध्यम से एक तो हमारा एक बिजनेस भी हो सकता है, साथ ही हमारे किसानों को एक अच्छी सुविधा अगर हम देते हैं तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारा काफी अच्छा योगदान इसमें रह सकता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम FPC की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो FPC को जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि हम एक ग्रुप है फार्मर का, लेकिन हम बिजनेस चलाते हैं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को लीड करना पड़ेगा, किसी को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, तो ये जिम्मेदारी अगर सबकी है तो सबकी रहेगी हमेशा, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमें किसी की पर्सन को, 2-3 लोगों को, भले उसे हम सब कमिटीज कहेंगे जो आसानी से मिल सके डिसीजन ले सके, तो इस तरह से बिजनेस में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्री हार्वेस्ट भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, और जैसे आप कह रहे थे कि पोस्ट हार्वेस्ट के लिए एक सेपरेट सेशन होना चाहिए, वैसे प्री हार्वेस्ट में भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि शायद ये 2 मिनट में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द FPCs। जी सुरेंद्र, आप बताइए हमें कि जो बिजनेस आपने किया है, और क्योंकि आप किसान हैं, खुद FPC के डायरेक्टर भी हैं, किसान भी हैं, और आपने सब चीजें देखी हैं बिल्कुल शुरुआत से आपके FPC में,
तो कौन कौन सी सबसे बड़ी मुश्किलें जब एफपीसी कोई कारोबार शुरू करता है, तो क्योंकि जैसा अभी अभी अमित कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी समस्या तो ये होती ही है कि जब आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामूहिक जिम्मेदारी जब लेके चलते हैं तो फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है एफपीसी में क्या क्या आपका अनुभव रहा है, क्या क्या मुश्किलें शुरुआती होती हैं और किस तरह से उन मुश्किलों को आप लोगों ने खत्म किया? जी सर, ये बिल्कुल सही कहा सर ने। सर, एफपीसी में समस्या तो होती है क्योंकि किसान जब समूह बनाता है तो समूह में सर सभी के अलग अलग विचारधारा रहती है, सभी के अपनी अपनी सोच रहती है। किसी भी फैसले में लेने में सर 10 से 12 लोगों के कुछ अपने अपने तरीके होते हैं, वर्क करने का कुछ डिसीजन रहते हैं कि आप ऐसा काम करना है, ये वाला डिसीजन ऐसा रहेगा, इसको ऐसा करना है। तो सर वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उसे सोल्व करने के लिए कि यार क्या ये काम सही है। ऐसे डिसीजन के लिए सर बहुत सारी समस्या भी हो जाती है कभी कभार कि वो डिसीजन सही नहीं रहता है, फिर भी वो करना पड़ता है। तो सर ये जो किसान उत्पादक संगठन है इसमें एक यह बहुत जरूरी है कि हाँ एक किसी को जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी, अगर वो जिम्मेदारी लेके काम करेगा तो एपीसी बहुत ही आगे बढ़ेगी। सर यही प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ था, एक साल तक एपीसी सर कुछ काम नहीं कर पाई थी, डायरेक्टर में ही चल पड़ा गया क्या काम करना है। कुछ किसान बोल रहे हैं कि नहीं अपन इनपुट में भी काम नहीं करते हैं, अदर में प्रोडक्ट काम करते हैं या फिर कुछ और करना है। सर ये छोटी मोटी समस्या आती रहती है, अदर समस्या बहुत ही है सर, लेकिन हाँ धीरे धीरे सोल्व हो जाती है। और एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसान है तो सभी की सोच यही होती है किसान के लिए कि किसान है ठीक है देख लेंगे हो जाएगा कर देंगे, अच्छी सा समस्या ये तो जी। लेकिन सर हाँ इसका सोल्यूशन भी खुद किसान ही है जी। अगर किसान ने ठान लिया है कि बिल्कुल सर ठान लिया कि मुझे सही बात आ गई कि सोल्यूशन भी किसान ही है और निश्चित तौर पे जो पूरा एफपीओ का कंसेप्ट है वो इसी सिद्धांत को मानकर चल रहा है और इसी सिद्धांत से पूरी समस्या का समाधान खोजा जा रहा है कि किसान की सारी समस्या किसान ही हल कर सकता है, किसान की अगुवाई में ही इसको हल किया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव और ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान दर्शक हमारा ये शो देख रहे होंगे उनको कई सारे लीड्स मिले होंगे और आगे भी इनके और विस्तार से हम बातचीत करेंगे इन इन विषयों पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के दोनों मेहमान जिनसे हम बात कर रहे थे किसान उत्पादक संगठनों के कारोबार के विकल्प और उनकी तैयारियों पर। फिलहाल अब mandi.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। mandi.com के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से, या यूं कहें सदा से, विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा, कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। The Agro Factory हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची हैं इन्होंने कामयाबी, परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत, हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी, हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ DD किसान चैनल पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांव की जमीन और मकान बेच दें, अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्षी क्या? प्रिया मैं दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ DD किसान पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। बदलते भारत की शान।